नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाराहाट बांका के बीच होली से इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन चलने की उम्मीद की जा रही है। इस रेलखंड पर विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद मंगलवार को मुख्य संरक्षा आयुक्त ने इलेक्ट्रिक इंजन के साथ 22 कोच के ट्रेन के साथ विद्युतीकरण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के एक सप्ताह बाद भागलपुर बाराहाट बांका के बीच इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। भागलपुर वासियों को हावड़ा के लिए अल्टरनेटिव रूट, इस रूट में इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन चलने के बाद भागलपुर जिले वासियों को हावड़ा के लिए एक और अल्टरनेटिव रूट मिल जाएगा। इस रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन से पहले मेमू ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके बाद अन्य ट्रेनों के चलने की संभावना है। निरीक्षण के दौरान DRM यतेंद्र कुमार मौजूद थे। होली से पहले इस रूट पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी। इस रूट पर इंटरसिटी के साथ साथ पैसेंजर ट्रेनों के चलने की भी संभावना है। भागलपुर बाराहाट बांका सिंगल लाइन रूट का विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया था, जिसके बाद आज CRS निरीक्षण किया गया है। CRS निरीक्षण में ट्रेन की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। CRS की टीम कोलकाता पहुंचकर ट्रेन चलाने की अनुमति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक इंजन से चलने के बाद ट्रेनों की गति बढ़ेगी, इससे रेलवे को भी बचत होगी। गौरतलब है कि 13 मार्च को भागलपुर से बांका के बीच इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल लिया गया था। भागलपुर से बांका के करीब 51 किलोमीटर की दूरी तय करने में इलेक्ट्रिक इंजन को 1 घंटा 23 मिनट का वक्त लगा था। ट्रायल अप और डाउन लाइन में पूरी तरह से सफल रहा था, जिसके बाद मुख्य संरक्षा आयुक्त ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रिक हिमांशु सिंह, संतोष कुमार, लोको इंस्पेक्टर मुकेश एम पांडे सहित CRS की पूरी टीम मौजूद थी। अमरपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर पंचायत अंतर्गत घोगा गांव में आंगनवाड़ी सेविका की बहाली में सुपरवाइजर के द्वारा अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर वार्ड सदस्य रघु राणा, दिवाकर मंडल, राजेंद्र कापरी, विजो राणा, प्रमिला देवी, विजली देवी, फागुनी देवी, इंदो देवी, अजीत मंडल आदि ने बताया। गांव में आंगनवाड़ी सेविका की बहाली होनी थी, जिसमें सेविका पद के लिए घोगा गांव की प्रियंका देवी एवं पतवई गांव की मनीषा कुमारी ने आवेदन किया था। ग्रामीणों का वोट प्रियंका देवी को था, लेकिन सुपरवाइजर ने जबरन सेविका पद पर मनीषा कुमारी का चयन कर दिया। ग्रामीण बहाली रद्द करने की मांग करते हुए BDO के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा की सूचना मिलने पर अमरपुर थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक रामाश्रय प्रसाद महिला पुलिस बलों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को समझाते हुए शांत करा दिया। मामले को लेकर BDO राकेश कुमार ने बताया, घोगा गांव में सेविका की बहाली नियम के तहत एवं पोषक छत्र को ध्यान में रखकर किया गया है। अमरपुर सहकुंड मुख्य मार्ग पर चपरी गांव के समीप ऑटो पलटने से 2 महिला जख्मी हो गई। जख्मी औरेर गांव निवासी सुलेखा देवी एवं पवई गांव निवासी कुमार पुंजी का प्राथमिक उपचार रेफर अस्पताल में डॉक्टर मुकेश कुमार के द्वारा किया गया। अस्पताल परिसर में जख्मी ने बताया, अपने गांव से ऑटो पर सवार होकर अमरपुर आ रहे थे, तभी ओवरटेक करने के क्रम में चपरी गांव के समीप ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। अमरपुर थाना क्षेत्र के ताडी गांव में 2 पुआल की टाल में आग लग गई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग रौद्र रूप धारण करते हुए पूरे टाल को अपने आगोश में ले लिया। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड वाहन घटना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पीड़ित पट्टन पंडित एवं युगल पंडित ने बताया, आग लगी में 50,000 के पुआल जलकर राख हो गई। मौके पर पंचायत के मुखिया अशोक यादव ने पीड़ित परिवार को संतावना देते हुए संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोड़ शंभुगंज मुख्य पथ पर स्थित सोभानपुर गांव के समीप एक बाइक चालक ने एक वृद्ध को धक्का मार दिया। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी चालक सिट्टू चौधरी एवं वृद्ध आनंदी मांझी को इलाज के लिए स्थानीय रेफर अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों के द्वारा जख्मियों का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दौरान भागलपुर में वृद्ध की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मामले को लेकर जख्मी के परिजनों ने बताया कि वृद्ध सुभानपुर गांव से फूल तोड़ने जा रहा था,
तभी विपरीत दिशा से आ रही बाइक चालक ने अनियंत्रित होकर धक्का मार दिया। जख्मी चालक तिलक कर वापस अपने गांव जा रहा था। घटना के बाद वृद्ध के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल देखा गया। अमरपुर क्षेत्र के विभिन्न बालू घाटों पर बांका एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव एवं अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय के द्वारा चलाई गई छापेमारी अभियान के तहत 7 बालू लदी ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। थाना अध्यक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 5 ट्रैक्टर ताहटी गांव से एवं 2 ट्रैक्टर बीरमा घाट से जब्त किया गया है। पुलिस वाहन को देखकर चालक अपनी ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। जब्त ट्रैक्टर के मालिक व चालक के खिलाफ खनन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों के नाम नहीं छपने के शर्त पर बताया कि प्रतिदिन शाम ढलते ही माफियाओं के जमावाड़ा मालदेव चक घाट, किशनपुर घाट, चोकर घाट पर जुट जाती है और 10 बजने के बाद माफिया सलेमपुर, गलेमपुर, महमदपुर, बनियाचक, डुमरामा, डाउटी बाट के सास्ते धरल्ले से ट्रैक्टर के द्वारा बालू उठाव की घटना को अंजाम देते हैं। इन ट्रैक्टरों की आवाजाही से उत्पन्न शोर से ग्रामीण पूरी रात सो नहीं पाते हैं। इन माफियाओं के शागिर्द पूरी रात चौक चौराहे पर ड्यूटी कर पुलिस के आला अधिकारियों की आने की सूचना बालू माफियाओं तक पहुंचाते हैं, जिस कारण छापेमारी करने आए अधिकारियों से पहले ही माफिया अपने वाहनों को गांव के किसी खलियान में छिपा देते हैं और अधिकारियों के हाथ कुछ नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ छापेमारी के बाद बालू माफियाओं में साफ तौर पर हड़कंप देखी जा रही है। उधर दूसरी तरफ थाना अध्यक्ष ने बताया, अवैध घाटों से बालू उठाव रोकना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। बालू माफियाओं को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जा रही है। अमरपुर के भदेरिया गांव के समीप चांदन नदी में पिछले वर्ष प्राचीन भवनों के अवशेष मिलने के बाद यहां तटबंध निर्माण का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को टीम द्वारा टेलीस्कोप से नदी का जायजा लिया गया, जबकि गुजरात एवं राजस्थान से आए मशीनों से तटबंध निर्माण कार्य किया जा रहा है। अवशेष स्थल की टेलीस्कोप से जाँच की जा रही है, जिसमें यह देखने का प्रयास किया जा रहा है कि अवशेष स्थल कितनी दूर तक फैला हुआ है। नदी में काम शुरू होते देख ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। मालूम हो कि पिछले वर्ष भदेरिया चांदन नदी में हजारों वर्ष पुराने भवनों के अवशेष मिले हैं। इस खबर के मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अवशेष स्थल का मुआयना करने भदेरिया पहुंचे थे तथा इस स्थल की खुदाई शुरू करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद पानी की धारा मोड़ने का काम शुरू किया गया था। अब तटबंध बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। कई इतिहासकारों ने भी स्थल का निरीक्षण किया था। ग्रामीणों के अनुसार इस गांव में महात्मा बुद्ध भी आए थे तथा काफी दिनों तक वास किया था। शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को चांदन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। इस अभियान में चांदन पुलिस ने जहां एक क्वालिस कार से 65 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं 1 घंटे अंतराल पर ही एक ऑल्टो कार से 300 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त करने में सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार वाहन जांच अभियान से जुटे अवर निरीक्षक मुखराम सिंह ने शक के आधार पर एक क्वालिस गाड़ी को जांच के लिए रोका और थाना ले आए। जांच के दौरान क्वालिस गाड़ी में बने तहखाने से 40 पैकेटों में छुपाकर रखे गए कुल 65 किलो गांजा जब्त की गई है। इस मामले में तिलका मांझी भागलपुर के सचिदानंद नगर कॉलोनी निवासी छविलाल शर्मा, कटिहार जिले के नवाबगंज निवासी गणेश मंडल तथा अररिया जिला के सोनापुरा निवासी जसवीर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि बहंगा पुल के समीप तेज रफ्तार से भाग रही एक ऑल्टो कार की डिक्की से डिप्लोमैट कंपनी की 750 ml की कुल 300 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। इस मामले में धनबाद जिला के सराय डेला मूर्ति नगर निवासी सोय कुमार व नूतन डी निवासी राहुल कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया, शराब और गांजा तस्करी के मामले में कुल 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सबसे आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।